साल 2018 कई सालों तक सेलेब्स की शादी के लिए याद रखा जाएगा। इस साल की शुरुआत में जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर नेहा धूपिया की शादी चर्चा में रही, तो साल के आखिर में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की शादी। लेकिन हम आपको आज टीवी की उन जोड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जो दिसंबर में ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। नंबर एक, कपिल शर्मा और गिनी चतरथ। वैसे ये महीना और साल कॉमेडियन कपिल शर्मा की शादी के लिए भी याद रखा जाएगा। कपिल 12 दिसंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गिनी के साथ शादी कर रहे हैं। ये शादी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में गिनी के होम टाउन जालंधर में होगी। इसके बाद दोनों मुंबई में शादी की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देंगे। नंबर दो, रघुराम और निताली डिलुसियो। एमटीवी शो रोडी से पॉपुलर होने वाले रघुराम ने इसी साल पहली पत्नी सुगंधा गर्ग को तलाक देने के बाद गर्लफ्रेंड निताली से एक प्राइवेट अफेयर में सगाई की थी। अब दोनों शादी भी करने वाले हैं। हालांकि शादी की तारीख तो रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म है कि शादी दिसंबर महीने में ही होगी। इनकी शादी की जानकारी इनके एक क्रिएटिव पोस्ट के जरिए मिली है, जहां रघुराम शेरवानी पहने नजर आ रहे हैं तो वहीं निताली एक सफेद गाउन में। नंबर तीन, श्वेता बसु प्रसाद और रोहित मित्तल। वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की धुलनिया में वरुण की भाभी का किरदार निभाने वाली टीवी एक्ट्रेस श्वेता बसु भी आने वाले 13 दिसंबर को पुणे में शादी करेंगी। श्वेता और रोहित करीब 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात अनुराग कश्यप के फैंटम प्रोडक्शन हाउस में हुई थी। दोनों इस कंपनी में काम कर चुके हैं। अब दोनों ही अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड हैं। नंबर चार, राखी सावंत और दीपक कलाल। हमेशा से अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली राखी ने एक बार फिर खबरों में रहने की तैयारी कर ली है। राखी ने सोशल मीडिया सेंसेशन दीपक कलाल से शादी करने का ऐलान किया है। राखी ने एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए ये बात बताई है कि वो दीपक से 31 दिसंबर को शादी कर रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राखी की इस बात पर यकीन नहीं कर रहे।